हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डॉग अल्टीमेट केयर में। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, अगर आपके डॉग की पोटी में ब्लड आ रहा है, लूज मोशन में ब्लड आ रहा है, क्या वो पारवो वायरस है। हाँ दोस्तों, ये एक जानने का विषय है, इसलिए आज वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी भी आपके डॉग में आ सकती है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आज के टाइम पे पारवो वायरस के नाम से सब डर जाते हैं, जिसके पपी या बड़े डॉगों में उसकी पोटी में ब्लड डालना स्टार्ट हो जाता है, तो सोचता है उस डॉग को पारवो वायरस हो गया और उसके वेटरनरियन के पास लेके जाते हैं। वेटरनरियन अपने पैसे बनाने के लिए, सब वेटरनरियन तो ऐसे नहीं, लेकिन कुछ वेटरनरियन ऐसे हैं जो अपने पैसा बनाने के लिए उनको झूठ बोल देते हैं, झूठी रिपोर्ट बना देते हैं कि आपके डॉग को पारवो वायरस है। सबसे पहले आपको ये सिम्टम देखने चाहिए, आपके डॉग को वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, अगर वोमिटिंग हो रही है किस टाइप की हो रही है, क्योंकि पारवो वायरस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे सिम्टम बता रखे हैं। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस मेन टॉपिक पर। तो उसके ब्लड जो आता है वो कई बार ऐसा होता है जब आपके डॉग का स्टोमच होता है, जो पेट होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से उसको एसिड लेट पोटी आती है, पाली बिल्कुल पानी जैसी आती है, जिसमें छोटे छोटे क्लोट आ जाते हैं और उसमें इंसान सोचता है उसके आपके डॉग को पारवो वायरस होगा, लेकिन वो पारवो वायरस ना होकर स्टोमच इन्फेक्शन होता है। और पारवो वायरस का जो डायग्नोस्टिक वो है, इलाज ट्रीटमेंट है, वो ज़्यादा महंगा है, इसलिए डॉक्टर बोल देते हैं आपके डॉग को पारवो वायरस है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है क्या उसके सिम्टम क्या है, उसके सिम्टम देखने के बाद अपने डॉग को इसी तरीके से ट्रीटमेंट करें। और जो ये स्टोमच का इन्फेक्शन होता है, ये ज़्यादा ऐसा नहीं होता जिसे आप घर पर नहीं कर सकते, जैसे पारवो वायरस का तो आपको वेटरनरी से करवाना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट घर पर लगा नहीं पाते। इसका जो होता है मैन, इसको आप घर पर ट्रीट कर सकते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको टैबलेट आती है ओफ्लोक्स ओजेडे के नाम से, हाँ वो टैबलेट ले आइए, 6 टैबलेट रहिए, 1 टैबलेट सुबह 1 शाम, 3 दिन का कोर्स होता है, 3 दिन तक अपने डॉग को देते रहे। और साथ में आप उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके पेट में होता है उसके लिए आप उसको लगाइए टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है उसको दिन में 1 टाइम 2 ml, अगर डॉग बड़ा है तो 3 ml उसको देते रहिए। आपका डॉग 2 या 3 दिन में रिकवरी लेना स्टार्ट करता है। पहली बात तो जब आप उसको 8 दिन का कोर्स होगा कंप्लीट, तो अगले दिनों खाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन खाते टाइम पर इस बात का ध्यान रखिए आप उसको ज़्यादा हार्ड खाना ना दीजिए, सॉफ्ट खाना ही दे, यानी चावल दे दिया या आपने उसको दही दे दिया, दही भी देते तो थोड़ा कम मात्रा में देते, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है, दूध बिल्कुल नहीं देना उस टाइम पर आपको। इन बातों का ध्यान रखिए, आप अपने डॉग को अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताना जरूर, और जो दोस्त इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो हमें कमेंट करके नीचे बताए किस किस दोस्त को प्रॉब्लम हो रखी है। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।